आरएसएस के ही लोग हैं जो एक के बाद एक कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में एक्सेप्ट हो रहा है। और ये सारा माहौल मीडिया पूरे मुल्क में ऐसा बना रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद दूसरा एक वजह बन जाए, और ये आज हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। 2-2.5 साल में ये इस मुद्दे को लेकर चले और कोर्ट में भी मामला चलता रहे। हम अब कोर्ट में मामला चलने के इसीलिए खिलाफ हैं, या हमारा उस पर एतराज इसीलिए है कि 1991 में जब एक कानून बन गया कि 1947 में जो धर्म स्थल जिसके पास है वो उसी के ताबे में रहेगा, उसी ट्रस्ट के ताबे में रहेगा, जो भी उसका मालिक है उसके ताबे में रहेगा। बाबरी मस्जिद की बात उस वक्त भी उस कानून में छोड़ दी गई थी, क्योंकि फैजाबाद सिविल कोर्ट में वो मामला 1946 से फाइल था और 15 अगस्त 1947 में वही एक मामला पेंडिंग था, इसलिए वो छोड़कर बाकी हर जगह 1991 का कानून लागू है। उसके बाद सर्वे कराना, कोर्ट का ऑर्डर होना, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, मगर ये भी हमारा हक है कि अगर कोई कोर्ट गलत फैसला करती है तो उस पर हम एतराज कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी हम बोल सकते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ। हम कोर्ट के एहतराम के साथ उस पर तनकीद कर रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट है। उस सर्वे रिपोर्ट की वजह से मुल्क में वो सर्वे रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट नहीं हुई और बात मीडिया में फैल गई, उसके बाद से आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान में सिर्फ उसी पर बात हो रही है, दूसरी कोई खबर ही नहीं बची है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में आज मुल्क के जो हालात हैं उसको समझते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव सहरियान की तरफ से क्या फैसला करेंगी वो मीटिंग के सदर जब अपनी तकरीर करेंगे उस वक्त बताएंगे। आज मालेगांव शहर में जो हालात पैदा हो गए 12 नवंबर के बाद, ऐसा हो गया कि बोलने पर भी पाबंदी है, ना हम कुछ बोल सकते हैं ना हम कोई एहतजाज कर सकते हैं। इतना डर खौफ पैदा कर दिया मालेगांव के लोगों पर कि कोई गलत काम भी अगर मालेगांव शहर में हो रहा है तो उस पर भी लोग बोलने के लिए डर रहे हैं। मालेगांव शहर में कभी पुलिस का राज या पुलिस का डंडा चल ही नहीं सकता। इतना डर और खौफ अगर पुलिस मालेगांव शहर में पैदा करेंगी तो इसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। पुलिस का काम है कि आवाम को समझते हुए कोई काम काज किया जाए। मालेगांव शहर में ही कानून का इस्तेमाल जिस तरह मुल्क में दस्तूर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मालेगांव की मैं पहले से बोलता आया हूँ कि एजेंसियाँ जो है वो कानून का खिलवाड़ कर रही है, कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। हम 12 नवंबर का वाकया देख चुके, आज भी 7वां महीना है, लोग जेल में बंद है। आज उनका गुनाह क्या है ये आप लोग भी जानते हो, ये यहाँ का डिपार्टमेंट भी जानता है, मगर उसके बाद भी आज भी वो लोग छूटे नहीं है। दूसरा, उस डर और खौफ में 15 लोगों का एहतजाज, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए भी चंद लोगों को ही पता होगा कि ऐसा कोई एहतजाज हो रहा। इस तरह से पूरा हमने एहतजाज करने वालों के ऊपर भी इतनी सख्त दफात लगा दी गई कि उनको नासिक सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब पुलिस के खिलाफ बोले कि पुलिस फिर उठा के अंदर डाल देंगी, मुझे तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि झूठा केस बना के मुझे पुलिस अंदर डाल देंगी। हम ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, हम निहाल साहब जो है उनके वर्कर रहे हैं। जब जब इस शहर में जुल्म और नाइंसाफी होंगी उस वक्त हम बोलेंगे। हम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखने की वजह ही यही थी कि ना दस्तूर पर मुल्क में काम सही ढंग से हो रहा है और मालेगांव शहर में तो काम ही बिल्कुल निराला है। महाराष्ट्र में दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र में नांदेड़ अमरावती में ही 12 नवंबर को वाकया हुआ, मालेगांव से ज्यादा तशद्दुद हुआ, मगर वहां के लोग कितने दिन में छूटे ये मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है। अभी जो इमाम काउंसिल का प्रोग्राम था वो सिर्फ मालेगांव में ही था, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के कई जगह पे वो प्रोग्राम था। मेरी मालूमात में सिर्फ औरंगाबाद में 135/37(1)(3) का उल्लंघन हुआ, बाकी जगह तो वो भी कलम नहीं लगी।
यानी उस कायदे का भी उल्लंघन नहीं हुआ, मगर मालेगांव शहर में इतनी सख्त दफात लगाने का मकसद क्या है? ये हमें क्यों इतना डराना चाहते हैं? हम कानूनी तौर पे क्या कोई एहतजाज नहीं कर सकते? कोई बात अपनी नहीं बोल सकते? या तो पुलिस डिपार्टमेंट ने सारे मसाइल खुद ही हल कर देना, यहाँ तक के मीडिया को भी मालेगांव में दबाया जा रहा है। यानी इस तरह से 12 नवंबर से मैं देख रहा हूँ, 12 नवंबर को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात की कारपोरेशन की जगह उर्दू मीडिया सेंटर, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ की चाबी लेकर चली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। इमरजेंसी जैसे हालात मालेगांव शहर में पैदा किए जा रहे हैं और कोई बोलने ही नहीं चाहता उसके ऊपर। अभी हम खुद देख रहे हैं कि हमारे लोग जो 6 महीना पहले से जेल में बंद है वो छूट नहीं पाए, अभी फिर 15 लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो हिस्ट्री सीटर थे, वो दारू बेचते थे, वो क्या करते थे? अगर तुम उनको लेकर भी जा रहे हो और वो खुद से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो कोई उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी वक्त पकड़िए जब वो आपके साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज, पुरअमन तरीके से पुलिस स्टेशन तक जाना चाह रहे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर इतनी सख्त दफात लगा दी गई और मालेगांव शहर में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना डर और खौफ, मैं तो जेल होके आया उसके बाद भी मैं डरता नहीं। निहाल साहब हमेशा एक ही बात बोले, खोटा करना नहीं, किसी के बाप से डरना नहीं। हम न खोटा करते न किसी के बाप से डरते कि जेल होके आ गए तो फिर झूठे केस में हमको वापस फंसा दिया जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। कानून, मैं हमेशा बोला जुडिशियरी का सिस्टम बहुत स्लो है और फिलहाल क्या वजह है नहीं मालूम, अभी कुछ ज्यादा ही स्लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार करता हूँ कि ये हमारे जो बाकी भाई बहन बाकी लोग जो हैं ये सब छोड़ कर आ जाए, उसके बाद ट्रायल जल्दी से चालू हो 12 नवंबर वाले का। मैं तो उसके इंतजार में कि उस वक्त समझ में आएगा कानून क्या है और पुलिस उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रही है। मीटिंग बुलाने का एक ही मकसद है कि मालेगांव शहर से डर और खौफ निकले, लोगों में जो डर और खौफ बैठा दिया गया है। हम ये नहीं कभी बोले कि कोई तशद्दुद करे, हम हमेशा एक बात बोले है कि हम गांधीवादी हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, हमारा तशद्दुद से दूर दूर का वास्ता नहीं है। हम हमेशा गैर तशद्दुद तहरीक ही चलाते हैं, गैर तशद्दुद ही प्रोग्राम करते हैं और मालेगांव शहर की हमेशा से यही रिवायत रही है। मगर दो दो बम ब्लास्ट होने के बाद भी मालेगांव शहर में कोई फसाद नहीं हुआ था। 12 नवंबर का वाकया भी कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था, खतरा हुआ था, मगर उसके बाद इतनी सख्त दफात लगाकर इतनी सख्त कार्रवाई लोगों पर करना और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ना करे, ये माहौल पूरे शहर में बन चुका है। इस माहौल को तोड़ने के लिए कल कुल जमाती तंजीम के कुछ लोगों ने मुझे बुलाया भी, बातचीत भी हुई, तो मैं इससे पहले भी बोला कि शहर का दबदबा कायम रहने के लिए अगर हमको कहीं भी जाना पड़ेगा, किसी के भी पास जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल जमाती तंजीम के लोगों का भी ये बोलना था कि यार सारे सियासी लीडरों को इकट्ठा करके उनको बुलाकर और शहर के सवाल पर संजीदगी से गौर और फिक्र करना चाहिए। मैं उनकी इस बात का इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से तो हम सबसे पहले हाजिर रहेंगे और अगर कुल जमाती तंजीम एक अच्छा कदम उठाने जा रही है तो मेरी समझ है कि शहर की तमाम ही सियासी पार्टियों को अगर वो ना भी दावत दे तो भी अगर वो प्रोग्राम रखे और शहर के लोगों को बुलाने की बात करे तो सियासी पार्टी के लीडरों को जाना चाहिए। शहर का दबदबा कायम रहेगा तो शहर कायम रहेगा। यहाँ से 10,000 से ऊपर के जुलूस बोलते इसी आगरा रोड से गया, रमजान महीने में गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जो पत्थरबाजी की बात उस वक्त बोली गई थी, मैं उस वक्त भी सबसे पहले हमने बोला था कि पत्थरबाजी नहीं हुई है। आगरा रोड ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो मैंने उनकी FIR उस वक्त पढ़ी थी कि किसी ने आकर ये बोला कि अजान हो रही है, तुम DJ बंद कर दो। उसके बाद
उन्होंने डीजे बंद कर दिया। उसके बाद डीजे वापस जब अजान के बाद चालू हुई तो डीजे के ऊपर उन्होंने वापस पथराव किया, वहां कुछ लोग आए, मोबाइल चला गया, ये सब बात लिखी उस एफआईआर के अंदर। मुझे कोई बताए रमजान महीने में आगरा रोड पर इतनी बात हो जाएंगी और कोई एक आदमी ये बात नहीं देखेगा, क्योंकि जब पथराव की बात आई तो मैं यहाँ से लेके देवी के मल्ले तक जो भी ताल्लुक के लोग थे उनसे एक बात पूछा, क्योंकि मुझे भी बड़ी फिक्र थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया। क्योंकि मालेगांव शहर में कभी भी कहीं पे ऐसा मैं नहीं देखा कि कोई दूसरे मजहब के लोग आएंगे तो कोई उनको तशद्दुद की नज़र से देखेंगे या उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश करेगा। और वो गढ़ की यात्रा बचपन से हम देखते आए, कभी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उनका इस्तकबाल ही किया जाता था, हर जगह पानी देते थे, दवा देते थे, और यही सेकुलरिज्म की अलामत है और यही मालेगांव शहर करता आया है। मगर वो झूठी खबर फैलाई गई, अगर वहाँ पथराव हुआ था तो उस वक्त वहाँ का सीसीटीवी कैमरा निकालते, सीसीटीवी कैमरे में और दूसरे कैमरे में तो मालेगांव की पुलिस एक्सपर्ट हो गई है, जो नहीं भी दिख रहा है उनको वो भी उस कैमरे और सीसीटीवी में दिख जा रहे। तो अगर किसी ने किया था उस वक्त पथराव तो उनको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करी पुलिस, अभी तक उनको आदमी क्यों नहीं मिले। यहाँ 12 नवंबर में किसी ने पथराव नहीं किया, हम जैसे लोग उनको पथराव करते कहाँ नजर आ गए, हमने किसको पथराव करने का बोल दिया वो ही जाने, वो कैमरे से उनको सब दिख गया। मगर जो पथराव की बात कंप्लेन छावनी पुलिस स्टेशन में लिखाई गई वो भी इधर के ही लोग, अखिली यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया ऐसा बोला गया, वो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि पथराव हुआ ही नहीं था, वो भी एक साजिश थी कि माहौल खराब किया जाए, उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ से 10,000 का जुलूस चला गया शक्ति प्रदर्शन बताते हुए, उनके ऊपर कोई कलम ऐसी नहीं लगती कि वो कितने बजे यहाँ से निकले, कितना साउंड बज रहा था, कितने लाउड स्पीकर बज रहे थे, अभी उनको सब पता है फजर में कहाँ लाउड स्पीकर चल रहा, उनको डीजे की आवाज नहीं सुनाई थी। मेरी मालूमात में कोई केस उस वक्त भी नहीं बनाया गया। तुम जो केस बनना चाहिए, जिस पर बात होना चाहिए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, उन पे हल्की दफा भी नहीं लगाते, और जो लोग पुरमन तरीके से एहतजाज करते, 15 लोग कम से कम तादाद में लोग यानी एहतजाज करने लगे है कि यार कम से कम उनका दिल मुतमईन रहे, उनका ज़मीर मुतमईन रहे कि अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही थी तो वो उनके खिलाफ़ बोले, उसका असर कितना होगा क्या होगा ये वक्त के साथ सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। मगर ऐसे हालात में जब वो 15 लोग एहतजाज कर रहे थे तो उन पर इतनी सख्त दफात लगाने की हम मजम्मत करते हैं। और उस सवाल पर भी सदर जो है दस्तूर बचाओ कमेटी के प्रोग्राम की, वो उस पर क्या ऐलान करना है वो करे। मालेगांव शहर के दबदबे के सवाल पर एक साथ आना चाहिए, नहीं तो कल मालेगांव के नौजवान जिनमें आज डर और खौफ है ये हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे हालात मालेगांव शहर में कभी नहीं रहे जिस तरह का आज डर और खौफ है। पुलिस हिफाजत के लिए होती है, मगर आज मालेगांव शहर का हाल ऐसा है कि पुलिस से अब लोगों को डर लगने लगा है।